रही बात दोस्तों ऐसे वीडियोस बनाने की, ये यहाँ से ले लो वो वहाँ से ले लो, या मैं लोगों को डीमोटिवेट करता हूँ। एक बंदे ने मेरे पे ऐसे ही कमेंट करा था कि तो लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हो, इधर उधर फंसा रहे हो। तो मैं दोस्तों बता दूँ कि आज की दुनिया में सब लोग समझदार हैं। मैं केवल ये बताता हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और यही एक रीज़न है कि मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताता, मैं इंस्टीट्यूट का नाम ओपन नहीं करता हूँ। कोई कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वो वैसे भी कमेंट्स आएंगे, आप लोग फिर कुछ भी बोलोगे, तो यही एक कारण है। और दोस्तों सब लोग समझदार हैं यार, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताता हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी के पास जॉब है वो फेक एक्सपीरियंस लेटर क्यों बनवाएगा, या किसी के पास गैप ईयर्स नहीं है तो फेक एक्सपीरियंस लेटर क्यों बनवाएगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब जिसके पास कुछ भी नहीं है, ए टू जेड कुछ भी है ही नहीं, एंड द लास्ट ऑप्शन सिर्फ यही बचता है, तो वो लोग कर सकते हैं, नो डाउट यार। लेकिन आप ये बोलो कि लोगों को डीमोटिवेट करते हो, लोगों को कुछ अलग तरीके बताते हो, ये वो नहीं करना चाहिए, या डीमोटिवेट मतलब इस तरीके के जो आप लोग कमेंट करते हो, तो मैं यहाँ पे यही एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग समझदार हो, आप अपने मन से काम कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ वीडियोज़ के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि किसी की हेल्प हो जाए या ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों वो चीज़ें मैंने फेस करी हैं। और मैंने वैसे भी मेरे वीडियोज़ जो रहते हैं वो कन्फ्यूजन या डाउट को क्लियर करने के लिए रहते हैं। बहुत ही कम वीडियोस होते हैं जो मैं रिसर्च बेस बनाता हूँ या गूगल बेस बनाता हूँ, और यही एक कारण है थोड़ा सा कि चैनल इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अब चाहे ये मान लो कि मैं वीडियोस को रिसर्च बेस नहीं बनाता कभी, या कन्फ्यूजन डाउट पे, या मान लो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है एज अ जॉब पर्सन, क्योंकि अपनी जॉब जो है वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, कि वो सारी चीज़ें होती हैं, इतना फ्री मैं नहीं रहता हूँ। लेकिन जो चीज़ कन्फ्यूजन या डाउट या मेरे साथ जो कंपनीज में होता है या जो मैंने किया, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ला देता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है, आप बनवाओ ना बनवाओ, ये तो लास्ट ऑप्शन होता है कि यार जब कुछ नहीं है चलो ये कर लेते हैं। और दोस्तों अगर जॉब मिल जाती है किसी भी तरीके तो अपना ही बेनिफिट है। कहते हैं ना कि झूठ अगर धर्म के लिए बोला जाए तो भी धर्म होता है, ये महाभारत में बोला गया, आप शायद आपने शायद सुना हो। जी दोस्तों यही है कि मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करता, किसी को प्रेशराइज नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कल को बोल दूँ ना कि चलो मैं एक्सपीरियंस लेटर बना के दूंगा ना, तो मेरे पास कम से कम 100 से 150 कैंडिडेट आ जाएंगे, कल ही आ जाएंगे। अब समझ लो अगर पर कैंडिडेट मैं 10,000 ले रहा हूँ तो 100 से 150 कैंडिडेट का वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से। मुझे भी मैं यहाँ पे लाइक आप पैसे कमाने के लिए नहीं आया, लेकिन जो मैंने फेस करी, जैसे मेरे दोस्त लोग हैं वो बोलते थे कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया कैसे होगा, तो मैंने सोचा जब यार उनकी हेल्प करता हूँ तो एक यूट्यूब पे भी आके देखता हूँ अगर लोगों की हेल्प हो सके, बेसिकली लोगों को जॉब्स वगैरह मिल सके, तो वही एक रीज़न है कि मैं यहाँ पे हूँ। बस यार दोस्तों यही था, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करता, आप अपने मन से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हो वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर कन्फ्यूजन और डाउट्स के वीडियोज़ आते रहते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कमेंट या क्वेरी नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद।